जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐसे कोई भी अगर बटन लगाते हैं उस पर क्लिक करने पर अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन ऐसे ओपन हो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिए 2 बटन हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और जैसे ही हम व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसे वो हमारे व्हाट्सएप में डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ऐसे बैक करेंगे तो वापस हमारे एप्लीकेशन में आ जाएगा। और दोबारा अगर हम टेलीग्राम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो दोबारा हमारे टेलीग्राम को जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाता है। तो इसका जो प्रोसेस है ये आप अगर पहले ही हमें ऐसे हमारे थंकेबल एपी बिल्डर और मैकावेट के अंदर एक कंपोनेंट मिल जाता है एक्टिविटी स्टार्टर, तो इसका यूज़ करके तो आप कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक एक्सटेंशन को डेवलप कर लिया है जिसका यूज़ करके आप केवल एक ही कंपोनेंट का आपको यूज़ करना है, जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली जो भी एप्लीकेशन को एज ए आप लॉन्च कराना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन के अंदर सेट कर पाएंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे मेकावेट के अंदर यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंशन है ऐप लॉन्चर, तो ये हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप लॉन्चर। तो ये एक्सटेंशन हमारा इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस कंपोनेंट को एज ए हम प्रोजेक्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एज ए ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ हमने हमारे एक्सटेंशन के अंदर हमने केवल एक ही कंपोनेंट को ऐड किया हुआ है जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को एज ए बटन क्लिक में लॉन्च कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होगा, जिस भी एप्लीकेशन को आप एज ए ओपन करना चाहते हैं तो उसका जो एग्जैक्ट जो आपका पैकेज नेम हो गया वो इसमें सेट करना है, और इसके साथ उसकी जो होम पेज की एज ए एक्टिविटी लॉन्चर है वो आपको इसमें सेट करना है। तो आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जिससे आप ऐसे पैकेज नेम को गेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आप ऐसे व्हाट्सएप को अगर लॉन्च करना चाहते हैं ऐसे किसी भी बटन पे क्लिक करने के लिए, तो व्हाट्सएप की जो पैकेज नेम है com.whatsapp और उसकी जो लॉन्चर आईडी है वो com.whatsappmain, तो इसका ये डायरेक्ट मेन एक्टिविटी का जो स्क्रीन निवान का ये चीज़ यहाँ पे सेट होगा। तो आप जो भी एप्लीकेशन आप एज ए लॉन्च करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके कोई भी एज ए पैकेज नेम सेकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से आप सेक कर पाएंगे, और ये दोनों चीज़ आप गेट कर लेना है पैसे पहले। तो अगर हम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ com.whatsapp, तो ये चीज़ हमें सेट करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक टेक्स्ट का लेबल ले लेते हैं और उसमें हमें com.whatsapp को एज ए सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पैकेज नेम सेट हो चुका है। तो उसके साथ हमें एज ए लॉन्चर पैकेज नेम को इसके साथ सेट करना है, तो उसके लिए भी हमने एक ब्लैंक टेक्स्ट का कंपोनेंट ले लिया है जो हमारे व्हाट्सएप की लॉन्चर पैकेज नेम है, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं com.whatsappmain, तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस कॉम्पोनेंट को एज ए आप किसी भी बटन या एज ए कोई भी कॉम्पोनेंट के साथ आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बटन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बटन डो क्लिक के अंदर इस कंपोनेंट को सेट कर देंगे, तो अगर हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो इसको मैं अभी लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा बटन क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो अगर आप कोई भी एज ए पैकेज नेम गलत देंगे, तो अगर आप com.whatsapp की बजाय अगर कोई अलग सा पैकेज नेम अगर गलत भी आप दे देंगे तो उसमें आपको डायरेक्टली एज ए एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं आएगा, आपको एज ए नोटिफिकेशन शो कर देगा कि आपने पैकेज नेम गलत दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट जो पैकेज नेम है उसको मैंने चेंज करके कुछ दूसरा इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर हम ऐसे करके अगर हम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा मैसेज शो कर देगा कि पैकेज नेम और हमारा क्लास नेम ये इसमें से कोई एक मतलब मिसिंग है या गलत है, तो उस वजह से ऐसा होगा। तो ऐसे अगर आप कोई गलत भी देंगे तो इसमें आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगा। तो अगर हम एक्टिविटी स्टार्टर के यूज़ करके अगर ऐसा सिस्टम बनाते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारा कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है, अगर कोई भी अगर गलत दे देते हैं तो उसमें आपका एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाता है। तो उसमें आपको कोई भी गलत भी देंगे तो उसमें आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर पाएंगे, और आप यहां से डायरेक्टली जो भी इसका एग्जैक्ट
पैकेज नेम और क्लास जो आपका लॉन्चर पैकेज नेम है वो दोनों आप सही से सेट करेंगे तो आपका ये डार्ट सही तरीके से वो ओपन हो जाएगा। तो सी एक्सटेंशन का यूज़ करके आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन को अपने किसी भी एप्लीकेशन के जो भी बटन है उस पर क्लिक करने के बाद एज ए लॉन्च कर पाएंगे। तो इस एक्सटेंशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप फ्री में उसके डाउनलोड करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा जिसका यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट के साथ आप ऐड करके जैसे ही वो बटन क्लिक होगा जिस भी एप्लीकेशन को आप लॉन्च कराना चाहते हैं वो एज ए डायरेक्टली यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप एज ए ऐप लॉन्चर जो हमने एक्सटेंशन बनाया है तो इसका यूज़ करके किस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को अपने किसी भी एप्लीकेशन की बटन पे क्लिक करने पर किस तरीके से आप ओपन कर पाएंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।